ज्ञान रखते हैं उन्हें थोड़ा सा चेक करा लो। नया घर बनाओ तो ध्यान थोड़ा थोड़ा रख लेना चाहिए, अच्छी बात होती है। जब भी नया घर बनाओ तो आपके घर में जो वॉशरूम है, नहाने का स्थान है, वो कहाँ होना चाहिए? हमेशा वो धोनी चाहिए पश्चिम की दीवार में, पश्चिम और दक्षिण की तरफ हल्का। पश्चिम की दीवार सबसे बेस्ट, पश्चिम की तरफ ही वॉशरूम होने चाहिए। प्रत्येक कमरे का भी वास्तु होता है, पॉसिबल हो तो पश्चिम में हो, ईशान कोण पूर्व उत्तर में ना हो वॉशरूम। हमारे यहाँ शास्त्रों में पूरा वास्तु है, भगवान राम का जो दशरथ जी ने महल बनवाया पूरा वास्तु से था। पहले के समय पर बाहर जलाशय होता था, पानी ईशान कोण में पानी होना ठीक होता है। घर में बोरिंग कराओ तो बोरिंग भी ईशान कोण में ही होना चाहिए। भगवान से जुड़ा हर काम ईशान कोण में, लेट बात बात पश्चिम की तरफ। रसोई आग्नेय कोण, आग्नेय दक्षिण पूर्व का कोना, दक्षिण और पूर्व का कोना क्या होता है? आग्नेय कोण। आग्नेय मतलब स्त्रियां जब भोजन बनाए तो आप बताओ आपका मुंह किस दिशा में होना चाहिए भोजन बनाते समय? किस दिशा में? पूर्व दिशा में। महिलाओं के मुखमंडल पर सूर्य भगवान की किरण पड़े, भोजन बनाते समय आपके भोजन पर सूर्य का प्रकाश पड़ना चाहिए। कितना गहरा साइंस है, मतलब जब भोजन बनाओ तो आपके भोजन पर, आपकी दाल पर सूर्य का प्रकाश पड़ना चाहिए, क्योंकि सूर्य की प्रकाश में विटामिन डी होता है। वो प्रकाश युक्त जो दाल है, सब्जी है, वो ज्यादा कारगर है शरीर के लिए। आजकल के भोजन में सूर्य का प्रकाश पड़ता ही नहीं है। पहले खुले आंगन में भोजन बनाने की परंपरा थी हमारे भारत में, हाँ या ना? खुले में भोजन, रोटी में भी प्रकाश पड़ता, दाल में भी, चावल में भी। विधान तो यही है, सही तो यही है। अब आजकल तो देखो कमरे में प्रकाश कहाँ पहुंच रहा है, मल्टियों में लोग रह रहे हैं, प्रकाश कहाँ पहुंच, व्यवस्थाएं नहीं है, मजबूरी भी है, समझ रहे हैं चीजों को। लेकिन जो सही है वो तो ये है कि जिस भोजन में सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वो भोजन ज्यादा हेल्दी होगा, ज्यादा आपके लिए सुपाच्य होगा, ज्यादा आपको शक्ति वर्धन करेगा, शक्ति आपको ज्यादा देगा। तो हमारी जो नियमावली है घर बनाने की, भोजन बनाने की, पूरी सुव्यवस्थित है, आज से नहीं अनादि से। वास्तविक देवता होते हैं जिनका पांव होता है ईशान में और सिर जाता है दक्षिण पश्चिम के कोने में। सिर होता है ईशान में, पांव जाते हैं दक्षिण पश्चिम के कोने में। वास्तु देवता के जो सिर है वो ईशान में, ईशान में सिर, दक्षिण पश्चिम में उसके पांव विराजे होते हैं। भगवान का जन्म हुआ तो भगवान को लेकर वसुदेव जी चले, सारे ब्रजमंडल में उत्सव मनाया गया।